नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। नवरात्र का सातवां दिन जो समर्पित है आदिशक्ति माँ कालरात्रि को। मान्यता है माँ कालरात्रि का ध्यान और उपासना करने से संसार के सभी कष्ट और भय दूर हो जाते हैं। कहते हैं जिस भक्त ने माँ कालरात्रि की संपूर्ण साधना कर ली उसे संसार का कोई भी भय भयभीत नहीं कर सकता। माँ कालरात्रि की उपासना अचूक होती है। इनकी उपासना से अपार साहस और शक्ति का वरदान भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं माँ कालरात्रि की महिमा। जिनका रूप भयंकर है जिनका स्वरूप शुभंकर है जिनके भय से कांपता काल है करने दुष्टों का संहार आदि शक्ति ने लिया काल रात्रि का अवतार। अद्भुत है माँ कालरात्रि के चमत्कार। माँ दुर्गा का सबसे विकराल स्वरूप, माँ दुर्गा का सातवां रूप है माँ कालरात्रि। इनका ये स्वरूप दुष्टों के लिए महाभयंकर है। शरीर का रंग घने अंधकार के जैसा है। इनके बाल बिखरे रहते हैं और गले में बिजली सी चमकने वाली माला है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में बेहद भयानक है, लेकिन ये हमेशा ही शुभ फल देने वाली है, इसीलिए इनका एक नाम शुभमकारी भी है। माता कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा का समन हो जाता है। काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक है। देवी के इस रूप से सभी भूत, प्रेत, पिशाच तथा नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। भक्तों को इनसे किसी प्रकार भी भयभीत होने की जरूरत नहीं। दुष्टों और राक्षसों के दमन के लिए ही देवी मां ने यह संहारक अवतार लिया था। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माँ कालरात्रि की उपासना से जीवन की हर बाधा से छुटकारा मिल सकता है। माता जब अपने हुंकार से चलती है तो हुंकार की आवाज मात्र से नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं, समाप्त हो जाती। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव यदि जीवन में है तो उसका समन हो जाएगा। इस कारण से माँ भगवती के सप्तम स्वरूप की विशेष आराधना करनी चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़े, नकारात्मक ऊर्जा का समन हो जाए। माँ कालरात्रि और माँ काली के रूप स्वरूप को लेकर लोगों के बीच एक भ्रम बना रहता है कि दोनों एक देवी के रूप है। तो क्या माँ काली और माँ कालरात्रि एक है या दोनों शक्ति के दो स्वरूप हैं? आइए आपको बताएं। माँ काली और कालरात्रि बिल्कुल भी एक नहीं है। माँ कालरात्रि नवदुर्गा का एक स्वरूप है, जबकि माँ काली 10 महाविद्या का रूप है। माँ कालरात्रि की उपासना आमतौर पर साधारण और सरल है, जबकि माँ काली की उपासना कठिन भी है और तंत्र की साधना है। माँ का स्वरूप भयंकर है ये तो सभी जानते हैं, पर हम देवी के सबसे भयानक लेकिन सबसे शुभ स्वरूप की महिमा बताने जा रहे हैं। माँ कालरात्रि नवदुर्गा का सातवां स्वरूप है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप काफी भयंकर है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी है। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। माँ के हाथों में खड़क और कांटा है। माँ का वाहन गधा है। माँ हमेशा भक्तों का कल्याण करती हैं। माँ को शुभमकरी भी कहते हैं।
संसार में व्याप्त दुष्टों और पापियों के हृदय में भय को जन्म देने वाली है माँ कालरात्रि। इनके स्वरूप से जुड़ी कहानी बहुत प्रचलित है। माता कालरात्रि को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। धार्मिक पुराणों में माता ने राक्षस रक्त बीज को खत्म करने के लिए माता कालरात्रि के रूप में जन्म लिया था या रूप धारण किया था। माता कालरात्रि को महायोगीश्वरी, महायोगिनी और शुभंकरी भी कहा जाता है, अर्थात शुभ को प्रदान करने वाली माता कहा गया है। माता कालरात्रि का शरीर काला है, बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माता के गले में बिजली की तरह चमकती माला है। माता कालरात्रि के चार हाथ हैं। माँ के एक हाथ में खड़ग, एक में लौह शस्त्र, एक हाथ में बर मुद्रा है और एक में अभय मुद्रा है। दुष्टों का संहार करती हैं तो दो हाथों से अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। असुरों के राजा रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने कालरात्रि का अवतार लिया था। आदिशक्ति माँ निरंतर संहार करती हुई विनाश लीला रच रही थी। इनके भयंकर स्वरूप और उत्पात से सृष्टि में हाहाकार मच गया था। ऐसे में माँ काली को प्रत्यक्ष रूप में रोकने की शक्ति स्वयं आदिदेव महादेव में भी नहीं थी। तभी देवताओं के अनुरोध पर महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने उनकी राह में लेटने की युक्ति लगाई थी, ताकि चराचर ब्रह्मांड के स्वामी और अपने पति परमेश्वर को अपने पांव के नीचे पाकर देवी शांत हो और अपने मूल रूप में वापस आए। माँ कालरात्रि भगवती का ऐसा स्वरूप है जिनकी उपासना से इंसान में ईश्वरीय शक्तियां प्रकट हो सकती हैं। नौ देवियों की उपासना हमारे शरीर के अलग अलग आध्यात्मिक चक्रों से संबंध रखती हैं। माँ कालरात्रि का भी एक विशेष चक्र से संबंध माना जाता है। माँ व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र सहस्रार को नियंत्रित करती है। ये चक्र अत्यंत सात्विक बनाता है और देवत्व तक ले जाता है। शनि ग्रह का संबंध इसी चक्र से होता है, इसीलिए शनि को मोक्ष कारक भी कहते हैं। अगर आपको किसी तरह का डर हो, मन आशंकित रहता हो या आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हो, तो माँ कालरात्रि की पूजा आपके लिए अद्भुत कल्याणकारी हो सकती है। नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है माँ कालरात्रि। विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना बहुत शुभ है। माँ की उपासना से भय, दुर्घटना और रोग दूर होते हैं। ज्योतिष में शनि को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि का सातवां स्वरूप परम कल्याणकारी है। आज शक्ति के स्वरूप की आराधना करें और सत्कर्म की राह पर चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा बुराई से दूर होते जाएंगे, माँ कालरात्रि के उतने ही करीब होते जाएंगे। माँ कालरात्रि की पूजा, उपासना और साधना कैसे करनी है, ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको माँ कालरात्रि की कृपा पाने की पूजा विधि के बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। देवी का ये स्वरूप दिखने में जितना भयंकर है, उतना ही कल्याणकारी भी। कहते हैं माता कालरात्रि की पूजा से शनि भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। माँ के आशीर्वाद की महिमा बस इतनी ही नहीं है। माँ कालरात्रि किस तरह से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और आज कैसे करें देवी के इस स्वरूप की पूजा, चलिए इसके बारे में भी जानें। नवदुर्गा का सबसे शुभकारी स्वरूप है माँ कालरात्रि। इनकी उपासना से अपार शक्ति और सामर्थ्य का संचार होता है। जानकारों की मानी तो माँ कालरात्रि के कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें एक आम इंसान रोजमर्रा के जीवन में अपने संकट दूर करने के लिए प्रयोग कर सकता है।
लेकिन माँ कालरात्रि में विधि विधान से माँ की पूजा हो तो सबसे फलदायी है। तो देखिए माँ कालरात्रि की उपासना का सबसे उत्तम विधान। माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए सातवें दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जो भी आपके पास उपलब्ध वस्तुएं हैं, सामग्री है, पूजन सामग्री है, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान, फल फूल, मिठाई, साथ में माता को चोला किस रंग का चढ़ेगा इसका ध्यान रखिए। तो हरे रंग का चोला चढ़ाया जाएगा। गुड़ और चने का भोग लगता है, इसलिए गुड़ और चने का भोग लगाने के लिए गुड़ और चना रख लीजिए। माता के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करिए। किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आ रहा जीवन में तो उसका आप समापन करिए। मां कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि को करी, लाल वस्त्र धारण करके ही उपासना करी, माँ को लाल फूल और लाल फल अर्पित करें। इसके बाद या तो रात्रि सूक्त का पाठ करें, माँ के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा न करें। माँ के भक्तों की रक्षा स्वयं आदिशक्ति करती है, इसीलिए माँ कालरात्रि के उपासक को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन देवी के सातवें स्वरूप की उपासना एक खास विधि से की जाए तो हर तरह के शत्रु और विरोधी शांत हो जाते हैं। माता कालरात्रि की पूजन अर्चन करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, इसलिए तंत्र मंत्र के साधक भी माता कालरात्रि की उपासना रात के समय विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि माता के इस स्वरूप की पूजन करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का जीवन में प्रभाव नहीं होता है। माता के इस स्वरूप को वे लोग जरूर पूजा करें जिनके जीवन में शत्रुओं से पीड़ा है, जिनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ा है, जिनके जीवन में दुष्ट प्रकृति के लोगों से पीड़ा है, वे लोग विशेष रूप से माता के इस स्वरूप का पूजन करें, क्योंकि माँ कालरात्रि की पूजा से साधक का मन सहस्रार चक्र से सहस्रार चक्र में स्थित होता है। तो निश्चित तौर पर शत्रुओं से संबंधित सभी प्रकार की पीड़ा समाप्त हो जाती है। सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा करी, माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। 108 बार नवान मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक लौंग चढ़ाते जाएं। ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। उन 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। आपके विरोधी और शत्रु शांत होंगे। अगर आपके जीवन में शनि की ढैया, साढ़े साती या शनि दशा के कारण परेशानियां बढ़ रही हैं, तो आज के दिन करेंगे उपाय। माँ को गुड़हल का फूल अर्पित करें। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर शनि की शांति की प्रार्थना करें। तो आज माँ कालरात्रि की उपासना से आपकी हर बाधा दूर हो जाएगी। माँ कालरात्रि को प्रसन्न कीजिए और हो जाइए शनि की हर पीड़ा से मुक्त, और साथ ही विरोधियों को भी कर लीजिए शांत। माँ को क्या भोग करें अर्पित, आगे जानिए। माँ कालरात्रि की पूजा से कैसे शत्रु बाधा दूर कर सकते हैं, शनि भी शांत हो सकते हैं, ये तो आपने जाना। अब समझिए देवी को प्रसन्न करने का प्रसाद क्या है, यानी माँ कालरात्रि को आज क्या भोग आप अर्पित करें। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में बहुत भयंकर है, लेकिन माँ का दिल अपने बच्चों के लिए ममतामय है।
माँ कालरात्रि की पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। उनको प्रसन्न करने का एक तरीका है, उनके मनपसंद प्रसाद से उनको भोग लगाएं। ज्योतिषी मानते हैं कि माँ कालरात्रि विशेष भोग लगाने से देवी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों की सेहत को बेहतर बना देती हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अर्पित करें, इसके बाद सबको गुड़ का प्रसाद बांटें। आप सबका स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम होगा। माँ कालरात्रि की पूजा कितनी कल्याणकारी है, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। तो शक्ति पूजा के इन बेहद खास दिनों में आप भी माँ कालरात्रि की पूजा करें, माँ कालरात्रि की उपासना को सच्चे मन और श्रद्धा से कीजिए और माँ की कृपा पाकर धन्य हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो माता की कृपा सभी भक्तों पर बरसती रहे, इसी कामना के साथ फिलहाल हम लेते हैं इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNTV।